बोला दीदी हटेगी। हाँ दीदी की सरकार जाएंगे मोदी बाबा के देखने जाए। अच्छा दीदी कहाँ जाएगी? ममता दीदी हटा वो। क्या नाम है? क्या नाम है गणपति बावरी। दीदी कहाँ जाएगी? ममता दीदी कहाँ जाएगी? खुद भी कहाँ जाएगी मालूम नहीं है। पिछले कुछ सालों में काम हुआ यहाँ? यहाँ पता नहीं पड़ा, हमारा गांव में कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ? नहीं। केंद्र सरकार की योजनाएं नहीं आई? नहीं आई है, चावल आटा बस और कुछ नहीं। क्या चाहते हैं? परिवर्तन? परिवर्तन चाहते हैं? हाँ। क्यों? हम लोग का बस्ती बहुत खराब है, रहने का जगह नहीं है, घर नहीं है। अच्छा। हमारा घर का छत फटा हुआ है, बारिश पड़ते हम बहुत परेशान है। हाँ। प्रधानमंत्री आएंगे तो फिर आपको लग रहा है मिलेगा छत? आगे देखते हैं क्या होता है। अच्छा, आपको काम अच्छा लग रहा है प्रधानमंत्री का? अच्छा लगा, कोरोना का काम अच्छा लगा। तारक शर्मा, क्या होगा बंगाल में? क्या होगा बंगाल में? देखिए क्या होता है, अभी तो मोदी का भाव चल रहा है, बदलाव होगा बंगाल में, बदलाव होगा। अब देखिए क्या होता है, ममता हारेगी इतना तो पता है, पक्का है, पता है। जैसा कि हमारा मोदी जी कहते हैं, देखिए आप, सोशल डिस्टेंसिंग 3 गज की दूरी बहुत ही जरूरी। और साथियों ये चेयर सब जो 3-3 फुट के दूरी पर रखा हुआ है, ये देखिए आप, ये चेयर के डिस्टेंस, ये जो ग्राउंड है लगभग 1 किलोमीटर बड़ा है, पूरे इस 1 किलोमीटर के एरिया में यहाँ पर इतना बड़ा पंडाल लगा हुआ है। और यहाँ पे पूरा आप देखिए किस तरीके से धूप है, लेकिन लोग अभी से यहाँ पर, अभी 9 बज रही है, अभी से पूरा घूमने जा रहा है। और यहाँ पर पीछे देखिए आप, पूरी सिक्योरिटी लगी हुई है। और यहाँ देखिए छोटे बच्चे, महिलाओं का, बच्चों का, छोटे बच्चे, नागरिकों का ख्याल रखे, उन लोगों को पहले ये देखिए बैठने का व्यवस्था करवाए, पूरी सुरक्षा मौजूद है। साथियों से हमारा अनुरोध है और आप लोग भी इतने ज्यादा ग्रहण करें और जहाँ तक हो सके सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। कहाँ जा रहे हैं मोदी जी? पास व्यवस्था हमारी है, दीदी गया भाड़ में, कहाँ जाएगी? दुनिया चला जाएगा, अब दीदी चला गया, अब दीदी नहीं आएगा। क्यों? चल रहा है उसका व्यवहार ठीक नहीं है दीदी का। नहीं नहीं नहीं, हमारे मोदी जी बराबर कहते हैं। दीदी कहाँ जाएगी? दीदी हवा में जाएगी, हवा में। आपको देखने तो खुद मिल रहा है, देखने मिल रहा है, हवा में जाएगी। ये देखिए मैं सबसे यहाँ पर इतने पुलिस सुरक्षा जांच हो रही है और उसके बाद लोग अंदर आ रहे हैं और काफी भीड़ मौजूद है यहाँ पर। शांतिपूर्ण भाव से बंगाल में ये देखिए आप, सभी लोग ममता बनर्जी के जो शासन था पिछले 10 सालों में उससे नाराज हैं। और यही वजह कि आज प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा में इतने लाखों लोग पहुंच रहे हैं। और जो बीजेपी यहां पर पहले नाम मात्र की थी, आज उनकी जनसैलाब, उनकी रैलियों में जनसैलाब उतर रहा है। चाहे दी प्रधानमंत्री का पिछले 10 ये तो होगा इनका, ये नहीं है वो दूसरा ग्रुप। अच्छा, क्या नाम है आपका? बोल हिंदी बोल, हिंदी बोल। क्या नाम है सर? विजू बनर्जी। आप प्रधानमंत्री के रैली में? हाँ। क्या होगा? क्या तो परिवर्तन होगा। अच्छा, इतनी ज्यादा संख्या में लोग क्यों आ रहे हैं? जो 10 बच्चों का ममता बनर्जी साल सरकार किया है, 2 नवम्बर कोयला चोरी गोरू पाचार, उसने हम लोग सच्चा सरकार चाह रहा है, अच्छा सरकार चाहिए। हाँ, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, काम तो अच्छा ही कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार काम नहीं कर रही है? नहीं। क्या नाम है? अनंत कुमार ठाकुर। कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे? निंगाते। प्रधानमंत्री का देख? हाँ, प्रधानमंत्री से नरेंद्र। क्या चाहते हैं आप? हाँ, नरेंद्र मोदी से भेंट करना चाहते हैं। परिवर्तन बंगाल में होगा? बंगाल में परिवर्तन होगा? हाँ हाँ। सरकारी सुविधा मिली? हाँ हाँ। चाहिए हमको मोटर वाला गाड़ी चाहिए, मोदी जी से भेंट करना है। मोटर वाली गाड़ी? हाँ। ये बंगाल में ममता बनर्जी ने नहीं दिया? नहीं दिया, कोई नहीं दिया, कुछ हेल्प नहीं,
कुछ हाल से नहीं दिया। हाँ क्या कहेंगे आप मोदी जी से? बस यही चाहते हैं हमको मोटर वाला गाड़ी और हमको कुछ पैसा पेंशन वो चाहना चाहते हैं। कहाँ से आए आप? निंगा से। कितनी दूर है? पार्वती मंदिर है वहाँ से जाना साइड में वो आप जो अंदर झुकेगा ना वहीं पर ही हम रहते हैं। तो कौन लेके आए आपको? हम अपने आए हैं। खुद आए हैं? हाँ खुद आए हैं। कब आए? अभी आए। अभी तक झुकिए रहे हैं। अच्छा तो आगे जा रहे हैं रैली में? हाँ रैली में जा रहे हैं। हाँ नहीं जा रहे हैं थोड़ा। तो जाइए आप और क्या कहेंगे? क्या पश्चिम बंगाल की सरकार काम नहीं कर रही? पे आसनसोल में आज प्रधानमंत्री की रैली है और यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ अभी से चालू हो गई है और यहाँ पे आज इतना बड़ा जनसैलाब उतरने वाला है। धूली धूल दिखाई दे रही है और यहाँ पर परिवर्तन की जो लहर है वो साफ दिखाई दे सकती है। पूरा धूली धूल इतनी गर्मी में यहाँ पर बंगाल में आसनसोल में इतनी गर्मी है उसके बीच भी यहाँ पर पूरा मैदान आज खचाखच भरे जाने की पूरी संभावना है। और यहाँ पर लोग देखिए किस तरीके से आ रहे हैं और लोगों से अगर हम बातचीत कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं यहाँ पे टीएमसी के गुंडे ज़्यादा हैं और भ्रष्टाचार केंद्र सरकार की योजनाएँ लागू नहीं होती है। तो आप ये देखिए आप भीड़ पूरी यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा भीड़ बंगाल की धरती पर और आसनसोल की ये रैली काफ़ी ऐतिहासिक होने वाली है क्योंकि इतनी गर्मी में आप इस बड़े फील्ड से देखेंगे कि आज कितनी बड़ी संख्या में मौजूद होंगे यहाँ पे लोग।